वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर आज आपको मैं लॉगरिथम की टेबल एक्सरसाइज करा रहा हूँ फाइव पॉइंट इलेवन आपको लॉग कब लेना पड़ता है जब किसी फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन होता है या बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं यहाँ पे देखिए तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद देयर पावर्स तो तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम इसको यू वी डब्ल्यू करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं बट नहीं हम यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया मैंने फिर इसको ओपन कर दिया लॉग ए बी सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी की प्रॉपर्टी से क्लियर पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने लॉग को एक्सपेंड करना सीखा है और वैसे भी बहुत सिंपल लॉग का एक्सपेंशन होता है आपने लॉग ए बी सी को लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी में कन्वर्ट किया सारे टर्म्स को विद देयर पावर सेपरेट किया है नेक्स्ट टर्म में पावर आगे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू ए, क्लियर फिर अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है फिर यहाँ लॉग का डिफ्रेंशिएशन दिस वन फिर फोर अपॉन दिस वन आप इन सबको एक ब्रैकेट में बंद करिए वन अपॉन वाई लॉग वाई का डिफरेंशिएशन लर्न रखिएगा पूरी एक्सरसाइज में लॉग वाई को डिफरेंशिएट आपको करना है जिसका आंसर होता है y, dx, y इधर सेपरेट कर दीजिए आपका आंसर आ गया आप चाहे तो वाई की वैल्यू ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे अदरवाइज वाई के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिस वन इसे आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू सम और फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड तो मैंने वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वन क्लियर लॉग ले लेंगे आप तो पहला टर्म एक्स है लिख दिया लॉग एक्स ये रूट में है रूट का मतलब वन बाई टू पावर होती वो मैंने लिख दिया है नेक्स्ट है लॉग एक्स प्लस वन की पावर टू बाई थ्री माइनस है बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो प्रॉपर्टी ये लग गया है लॉग ए बी अपॉन सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी बट माइनस लॉग सी क्लियर है इस तरह मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है पावर आगे रिड्यूस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन और एक्स स्क्वायर का टू एक्स यहां भी पावर आगे लॉग का टर्म होता है वन अपॉन एक्स सिंपली वाई इधर ट्रांसफर कर दीजिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है नेक्स्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वॉट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म यहां पर देखिये वाई इज इक्वल टू तीन टर्म आपको दिए हैं इस क्वेश्चन को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है बिकॉज अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहे हैं शॉर्टकट में तो थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है वाई इज इक्वल टू लॉग बोथ साइड बिकॉज कई टर्म्स हैं तो लॉग लगाएंगे पूरा तीन टर्म लिखेंगे लॉग ए बी सी तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी और इधर लॉग वाई एज इट इज चलेगा फिर मैंने एक्स की पावर को आगे पावर थ्री को नेक्स्ट एन पावर टू को इस तरीके से कर दिया कंप्लीटली नाउ लॉग एक्स इन टू लॉग ई लॉग ई की वैल्यू वन होती है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो यानी एक तरह से कहूं तो यहाँ केवल एक्स बच रहा है नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जब मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वन आ जाएगा लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स क्लियरली थ्री एज इट इज रहेगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है यहाँ लॉग कॉस एक्स है तो वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा बट कॉस एक्स को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा माइनस साइन एक्स सिमिलरली चेन रूल यहां पे लग रहा है लॉग साइन एक्स तो पहले वन अपॉन साइन एक्स और अब डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स को क्लियर है दिस लीजिए कॉस एक्स कर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स साइन अपॉन कॉस को टेन लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन को कॉट करके लिख दिया है वाई को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है बट इस क्वेश्चन में मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी है मैंने आपसे कहा था आप वैल्यू पुट कर सकते तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में वन माइनस थ्री टेन एक्स प्लस टू कॉट एक्स सिंपली आप क्वेश्चन को समझ लीजिए और कॉपी कर लीजिए बहुत ईजी है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं और ये काफी इजी पार्ट है सिक्स को फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स है देन देखिए फंक्शन में क्या हो रहा है जब कभी एफ एक्स के ऊपर पावर एफ एक्स या जी एक्स यानी फंक्शन एक्स का है और एक्स के ही पावर लगी है कॉन्स्टेंट पावर नहीं है तब आपको लॉग लेना जरूर चाहिए जिससे इजिली सॉल्व हो जाए तो आपने लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स था टेकिंग वाई टू लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड तो जैसे ही आप लॉग वाई आइए क्लियर यहाँ पे इस तरीके से क्लियर है तो अब आपका टर्म हो गया कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स यहाँ दो टर्म बन रहे हैं यू एंड नाउ डिफ्रेंशिएट कर दिए वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स Dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डॉट लॉग लॉग एक्स तो दो टर्म बन रहे हैं u और v तो पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे v को स्टॉप करेंगे तो पूरा v स्टॉप हो रहा है log ऑफ log x डॉट cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स कर दिया प्लस लगाइए cos x लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रिपेयर करिए log ऑफ log x नाउ वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एसडीस कॉपी किए अब लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है एक्स का लॉग एक्स तो वन अपॉन लॉग एक्स इन टू दिस का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग वन अपॉन एक्स बस आपको अरेंज करके सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है वाई की वैल्यू यहां पर कितनी है लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स वेयर वाईक्वल टू दिस सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है समझ लीजिए इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहां पे पावर आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लीजिए आपको बताया मैंने अभी फॉर्मूला कि एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर होता है इज इक्वल टू कोई फंक्शन है तो हमें लॉग बोथ साइड लेकर के सॉल्व करना चाहिए क्लियर है तो मैंने क्या किया डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू लॉग वाईज टू लॉग ले लिया यहां पर साइन एक्स प्लस फॉरवर्ड कर दीजिए लॉग वाई आ जाएगा आपको मालूम है लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन एक है ये दो फंक्शन हो गए जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज करूंगा लॉग एक्स को स्टॉप कर लूंगा प्लस करूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को स्टॉप करेंगे यस yes, करेक्ट है प्लस लगा रहा हूं इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स ना यही आपका आंसर है सिंप्लीफाइड कर लीजिए वाई आगे कर दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग एक्स है सॉरी प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है डी वाई बाय डी एक्स जहां पर आप लिख सकते हो वेयर वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसकी वैल्यू आई है वाई की तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्लियर ये आपका x मैंने बनाया चेक कर लीजिए बहुत सिंपल है लॉग वाई था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आगे आ जाता है ये लॉग एक्स रह जाता है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यू वी अब यहां पे यू लार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पहले इसको डिफ्रेंशिएट यहां मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया है साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लॉग एक्स को एज इट इज रोका प्लस इस पूरे ब्रैकेट को यानी यू को दिस इज कॉल्ड यू यू को मैंने स्टॉप किया और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स कर दिया बस डिफ्रेंशिएशन इतना ही है इसमें और क्वेश्चन काफी इजी है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्थ का फर्स्ट पार्ट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई देन प्रूव दैट दिस वन तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड फिर वही फंक्शन पे फंक्शन है तो y और ये y आगे आ जाता है तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गुड तो वन अपॉन वाई डी वाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यस yes, तो फर्स्ट फंक्शन वाई को कर दू डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स को रोक देता हूं क्लियर प्लस कर देता हूं अब मैं वाई को स्टॉप करता हूं लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं वन अपॉन एक्स सिंपली कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें क्लियर है नाउ no. नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लीजिए ये आप इम्प्लिसिट फंक्शन में क्लियरली जान चुके हैं वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स यहाँ एल्सियम ले लीजिए तो जब आप एलसीएम लोगे तो मैं आपको बता दूं वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई आएगा और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स इट मीन्स हम ये इम्प्लाई दैट कर रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई इधर हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा और ये जो एक्स डिनोमिनेटर का है वो आप यहाँ पे भेज देंगे यही आपको प्रूफ करना था दैट इज कॉल्ड प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है सिंपली डिफ्रेंशिएशन ये फर्स्ट एक्सरसाइज से इजी है डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी मैं फिर बता रहा हूं क्लियर है चेक कर लीजिए एक बार लॉग वाई इज इक्वल टू ये किया इसको और सिर्फ प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट मैंने किया है अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए क्लियर है और डिफ्रेंशिएशन आपको आता है इसी बात पे लाइक करिए मेरा चैनल को और प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई सिंपली फिर पावर का है तो लॉग ले लूंगा लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई आपको अच्छे से पता है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है ये इम्प्लाई कर रहा है कि y आगे आ जाएगा एंड लॉग x हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा और log e log e की वैल्यू आप सबको मालूम है बहुत अच्छे से वन होती है यस yes. तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा आपको गॉट हो जाएगा y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई उधर ट्रांसफर करो तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स आप इसमें वाई कॉमन ले लीजिए देखिए कितना बेटर आंसर आ रहा है क्लियर क्या आ जाएगा जल्दी बोलो लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स देर फोर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स अब इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों और डिफ्रेंशिएशन करना आपको बहुत अच्छे से आता है कैसे डिवीजन रूल लग जाएगा यस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अब डिवीजन रूल मैं दोबारा नहीं बताऊंगा और चैनल और वीडियोस में आप देख लीजिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने तो वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर नौ न्यूमरेटर का डिफ़रेंशिएशन वन हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स लिख दीजिए डिनोमिनेटर माइनस लगाएंगे न्यूमरेटर को स्टॉप करिए डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए वन प्लस वन का जीरो और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जल्दी बोलो वन अपॉन एक्स गुड आपका आंसर आ गया वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स वन अपॉन इस वन को अकॉर्डिंग टू दिस प्रूविंग हम लॉग ई e लिख सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया है लॉग ई e की वैल्यू कितनी होती है वन और यहां हमें प्रूफ करना था इसलिए वन को मैं लॉग ई रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं वन वन कैंसिल लास्ट लाइन में प्रूफ हो गया log x अपॉन log a प्लस लॉग बी कितना होता है जल्दी बोलो यस yes, log ए बी तो लॉग एक्स ई e हो गया होल स्क्वायर यही प्रूव करना था क्लियर है बहुत सिंपल है बस ये याद रखिएगा ई e तभी आएगा जब लॉग जब वन को आप लॉग ई e लिखेंगे बिकॉज ये है एक नेचुरल लॉग है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग एक्स की पावर सिक्सटीन वाई की पावर नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 17. सब पावर है हायर पावर है तो मैं लॉग ले लेता हूं क्लियर है तो लॉग एक्स की पावर नाइनटीन वाई की पावर नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर सेवनटीन नाउ सेपरेट कर दो इसको तो लॉग नाइनटीन एक्स लिखूंगा प्लस नाइन लॉग वाई करूंगा थोड़ा सा सपोर्ट करिए समझ में आपको आ रहा है अच्छे से समझिए चीजों को बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है तो वॉट इज द डिफ्रेंशियन ऑफ लॉग एक्स नाइन अपॉन सॉरी सिक्सटीन था क्वेश्चन में क्लियर तो सिक्सटीन अपॉन एक्स प्लस नाइन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेवेंटीन ऐसे रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स अब मैं क्या करूंगा dy बाय डीएक्स एक तरफ और तो पहले सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दू सिक्सटीन अपॉन एक्स प्लस नाइन अपॉन वाई इस क्वेश्चन को फिर से देखिए यहां से सिक्सटीन अपॉन एक्स मैंने डिफ्रेंशिएट किया है और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये वर्किंग आपको खुद से क्वेश्चन में करनी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दिस वन किया मल्टीप्लाई करो अब क्या करना है मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको के टर्म्स दोनों टर्म्स एक तरफ कर तो डी वाई बाई डी एक्स यहां है दिस वन है तो डीवाई बाई डीएक्स नाइन अपॉन वाई रोकिए इसको आप जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस सेवनटीन अपॉन की जगह माइनस सेवनटीन अपॉन हो जाएगा नाउ एलसीएम ले लेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस सेवनटीन वाई सिमिलरली प्रोसेस आप इधर करिए थर्टी फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्स वाई माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स क्लियर यहां एलसीएम ले लीजिए एक्स ब्रैकेटर प्लस वाई और एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को सिक्सटीन से इंटू कर दीजिए सिंप्लीफाई करोगे एटीन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई दिस साइड तो आप यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई आ जाएगा यहाँ पे नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई पहले से आ रहा है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर पार्ट कट जाएगा टू अपॉन एक्स आएगा y आप इधर ट्रांसफर कर दोगे तो टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा सिंपली आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा थोड़ी वर्किंग है एक बार अपने आप करके देखिए मैच करा लीजिए इजली वर्किंग है आपको समझ में आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स तो यहाँ पे जो एक फार्मूला है एक्स की पावर एक्स का क्योंकि कोई फार्मूला तो हमारे पास है नहीं तो हम सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए यू ले लेते हैं तो यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा दिस वर डिफ्रेंशिएट कर लो वन अपॉन यू डी यू डी एक्स इज इक्वल टू इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए एक्स को वन करेंगे डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स को रोक लेंगे प्लस अब एक्स को स्टॉप करेंगे इसको वन अपॉन एक्स कर देंगे कैंसिल आउट दैट इज कॉल्ड लॉग एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज कर दो ये वी इधर यू इधर भेज दीजिए दैट इज कॉल्ड डी यू बाय डी एक्स तो डी यू बाय डी एक्स रियल में क्या आ रहा है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस वन ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि इसी के ऊपर फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है इसलिए इसे सेपरेट करना जरूरी था तो इसको यू लेट करके मैंने सिंप्लीफाई कर लिया नाउ ऑल द टर्म्स आर सिंपल तो आप करिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का डी वाई बाय डी एक्स ऑफ ऐसे रोकिए एक्स की पावर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए क्लियर ना सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन प्लस ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद है आप लोगों को ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स की पावर ए का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स की पावर ए माइनस वन इंटू ए जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं यहां ए की पावर बी कर लीजिए आई थिंक सो क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है तो जब कांस्टेंट टर्म आएगा डी वाई बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर बी दिस कांस्टेंट तो इसको जीरो कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस वन प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस ए डॉट एक्स की पावर ए माइनस वन क्लियर है अगर क्वेश्चन गलत कॉपी हुआ होगा तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो अदरवाइज बहुत आसान है यहां अगर कॉन्स्टेंट टर्म आता है तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है क्लियर नाउ एक्स लॉग एक्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा जैसा कि टेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है तो टेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं आपको यू वी करके करना है क्लियर y इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का होल एक्स तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी नौ डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स u इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स था इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है टेकिंग लॉग बोथ साइड तो लॉग ले लेता हूं तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सॉरी पावर में ये अब ये आगे आ जाएगा तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा देर फोर इसको लिख सकते हो लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इधर लॉग यू अब लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन करना बहुत आसान है वन अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स इंटू वन बाय एक्स यू उधर ट्रांसफर कर दो और साथ में यू की वैल्यू भी पुट कर दो दैट इज कॉल्ड एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर है बच्चों? सेकेंड हमने वी किसको लिया था हमारा v था log x की पावर x तो फिर इसमें log v कर देते हैं log v हो जाएगा x log ऑफ log x दोनों में डिफरेंस देखिए यहां पर log x और log x आ रहा था यहां x log ऑफ log x आ रहा है तो डिफरेंशिएशन तो वैसे ही इजी है डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे भी और x का वन कर देंगे log ऑफ लॉग एक्स बट जब आप लॉग ऑफ लॉग एक्स का करेंगे तो उसमें चेन रूल लगेगा बिकॉज लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स का रोल ये कर रहा है इन टू वन अपॉन एक्स बिकॉज इस लॉग एक्स का भी करना है अभी आपने इस लॉग सपोज करो ये टी होता तो लॉग टी का क्या करते वन अपॉन टी कर देते अब टी को डिफ्रेंशिएट करोगे यानी लॉग एक्स को तो वन अपॉन एक्स इसलिए मैंने समझा दिया आपको नाउ आपका आंसर आ गया डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट कर देता हूं लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स काफी लार्ज आंसर आएगा अब आपको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना है डी यू बाई डी एक्स है प्लस डी वी बाई डी एक्स है दोनों की वैल्यू रख दीजिए आपका आंसर आ गया तो ये वैल्यू रख देता हूं पहले एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस ये पूरी वैल्यू लॉग एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है सिंपली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्लियर है अच्छे से देख लीजिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि आपको समझ में आ रहा है बस यू वी करके यानी जो दो क्वेश्चन होते थे उसको एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया चलिए थैंक यू नेक्स्ट आपको मैं बहुत जल्द इसका वीडियो कंप्लीट कर दूंगा क्लियर